पिछले क्लास में हम लोगों ने सेल टॉपिक स्टार्ट किया था और आज हम उसी को लेकर आगे बढ़ेंगे। तो लेक्चर फर्स्ट में हम लोगों ने पढ़ा था कि ये सेल है क्या और रॉबर्ट हुक का क्या कंट्रीब्यूशन था। रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी की थी, उसका रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी, लीवेनहुक ने लाइव सेल के बारे में बताया था सबसे पहले पॉन्ड वाटर में। तो आज और मैंने फर्स्ट लेक्चर में थोड़ा बहुत यूनिसेल्युलर मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म की भी जिक्र किया था, लेकिन आज हम डिटेल से पढ़ेंगे कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है क्या, मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है क्या, दोनों में से कौन सा ज़्यादा बेहतर है। तो इसको हम डिफरेंस से यूनिसेल्युलर मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म को हम डिफरेंस करके पढ़ेंगे तो हमको इजीली याद भी होगा, इजीली समझ में आएगा। और बच्चों में ये भी बोलना चाहूँगा कि जब मैं यहाँ लेक्चर पढ़ा रहा हूँ जिसका वीडियो मैं तुम लोगों को भेज देता हूँ, तो इस वीडियो को देखने के बाद नोट्स बनाओ इसका। लास्ट में जब हम लास्ट में पढ़ा देते हैं तो लास्ट में इसको पॉज कर लो और इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद हम जब अभी तो ऑफलाइन चल रही ऑनलाइन क्लास समझो इसको एक तरह से, जब हम लोग फिर डायरेक्ट मिलेंगे सिमिलरिटी करियर इंस्टीट्यूट में तो फिर हम आगे इसको फर्दर डिटेल पढ़ेंगे, लेकिन इसको भी क्लास के ही समझकर तुम लोग को इसको पढ़ना है, समझना है और अपने दोस्तों के भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो कि जिस दोस्तों को नहीं मिल पा रहा है तो उसको भी फायदा पहुँचे। तो आइए सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर में डिफरेंस क्या है। तो यूनिसेलुलर यूनि मीन्स होता है यूनिट, यूनिट मतलब सिंगल, तो यूनि क्या है यूनिट मतलब सिंगल होता है, सिंगल मतलब अकेला। वैसा ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ एक सेल से मिलकर बना है उसको हम बोलेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म किसको बोलेंगे, मल्टी मीन्स होता है मेनी मेनी। तो सेल वैसा ऑर्गेनिज्म दो जो ऑर्गेनिज्म वो किससे बना है, बहुत सारे सेल से बना है, उसको हम क्या बोलेंगे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जैसे हम लोग का जो बॉडी है ह्यूमन बीइंग है, प्लांट है, एनिमल है, तो बहुत सारे सेल से मिलकर बना है, मिलियंस बिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बना हुआ। तो हम लोग जो है ह्यूमन बीइंग क्या है, मल्टीसेलुलर है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म उसको हम बोलते हैं जो एक सेल से मिलकर बना है, जैसे एग्जांपल अमीबा पैरामीशियम, और एनसीईआरटी में मान लो कि कोई एग्जांपल छूट रहा है यहाँ पढ़ने के बाद, उस एग्जांपल को भी तुम लोग को नोट कॉपी में नोट करना है जो एग्जांपल एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ऐसे एनसीईआरटी का चीज इसमें मिलेगा। लेकिन अगर मान लो फिर भी उसको पढ़ो साथ साथ एनसीईआरटी पढ़ो कि तुम्हारा एनसीईआरटी भी मजबूत हो। तो बताओ कोई यहां पर डेरा लेके रह रहा है, कोई एक रूम का कमरा लेके रह रहा है बाहर में, तो बताओ उस कमरे में उसको सारा एक्टिविटी करना पड़ेगा, छोटा सा जगह में कहीं खाना बनाने के लिए स्पेस होगा, कहीं बेडरूम होगा, कहीं पूजा करने के लिए थोड़ा सा स्पेस उसको मिलेगा, मतलब एक ही रूम में सारा एक्टिविटी वो कर रहा है। इसका मतलब क्या बताओ, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है ऑल एक्टिविटी, ये तो मैं घरेलू एग्जांपल बोला, अब हम सेल की बात करते हैं, सेल के रिफरेंस में समझो तो ऑल एक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म आर परफॉर्म बाय सिंगल सेल। जिस तरह हमारे जिंदगी में जो वो वैसे परिवार जो सिर्फ एक कमरा लेकर यहां पर रह रहा है शहर में, तो उसको सारा एक्टिविटी उसी कमरे में करना पड़ता है, उसी तरह जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है क्योंकि वह एक सेल से मिलकर बना है इसलिए उसका जो ऑल एक्टिविटी होगा ऑर्गेनिज्म का परफॉर्म होगा सिंगल सेल में। अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म तो एग्जाम्पल बस समझो, वैसे लोग परिवार को देखो जो फ्लैट लेकर आ रहा है जिसका ड्राइंग रूम अलग है, डाइनिंग रूम अलग है, बेडरूम अलग है, किचन के लिए अलग रूम है,
तो उसके बाद उसके पास जो हर एक एक्टिविटी के लिए अलग अलग रूम अवेलेबल है। इसका मतलब क्या है, वो एक रूम में सारा एक्टिविटी नहीं करेगा, अलग अलग रूम का अलग अलग एक्टिविटी के लिए जरूरत के लिए उसके पास है। तो ए सिंगल सेल परफॉर्म वन या फ्यू। अब ये बताओ, इस मल्टी सेलर के अंदर बहुत सारा सेल से मिलकर बना रहा है, इसका मतलब इसका सारा एक्टिविटी एक सेल नहीं करेगा। ए सिंगल सेल, कोई हम सिंगल सेल की बात करते हैं तो परफॉर्म वन या फ्यू एक्टिविटी ऑफ सेल, क्योंकि उसके पास बहुत सारा सेल है। तो मल्टी सेलर में सिंगल सेल परफॉर्म वन या फ्यू एक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। अब ये बात एक बात और ध्यान दो बच्चों कि एवरी मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म कम फ्रॉम सिंगल सेल। जितने भी मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म है उनकी शुरुआत कहां से होती है, सिंगल सेल से होती है। जैसे तुम, हम लोग, आप लोग जो भी हैं, उनकी उसका उसका जो बॉडी बनता है उसकी शुरुआत भी सिंगल सेल से होती है, जायगोट से। तुम लोग को मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि फर्टिलाइजेशन के थ्रू स्पर्म और ओवम के फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट बना, और यही है सिंगल सेल, यही से एक ऑर्गेनिज्म की शुरुआत हुई। तो जायगोट में क्लीवेज डिवीजन होगा और लगातार डिवीजन होते होते एक ऑर्गेनिज्म बन गया। तो बताओ इस पॉइंट पे समझे, एवरी मल्टी सेलर, जितने भी मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म है कम्स फ्रॉम सिंगल सेल। और हम लोग पढ़े थे सेल क्या है, और रुडोल्फ हर्ट्ज़ ने क्या बताया, सेल एग्जिस्ट प्रीजिस्टिंग फ्रॉम प्रीजिस्टिंग सेल से, सेल डिवाइड होकर बनता है। और बताओ सेल आर स्पेशलाइज टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। अब इसमें देखो बच्चों, स्पेशलाइज पर अलग सेल नहीं हुआ, क्योंकि ये ऑर्गेनिज्म ही सिंगल सेल से बना है, इसका जो भी एक्टिविटी करेगा वो सिंगल सेल करेगा, इसलिए इसके पास कोई डिवीजन ऑफ लेबर मतलब कि अलग अलग टाइप का सेल नहीं है, क्योंकि एक ही सेल तो अलग क्या होगा, जो है वही है। इसके पास मजबूरी है जितने भी एक्टिविटी है या परफॉर्म करेगा एक्टिविटी वो सिंगल सेल ही करेगा, क्योंकि वो सिंगल सेल से ही बना है। लेकिन इसके पास क्या है, इसके पास ये फायदा है कि बहुत सारा सेल से मिलकर बना है, तो अलग अलग टाइप का सेल होगा। मान लो हार्ट में जो है सेल है वो ब्लड पंप का काम कर रहा है, आरबीसी का नाम सुने होगा, रेड ब्लड सेल, उसमें क्या होता है हीमोग्लोबिन होता है जो क्या करता है ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरे जगह ले जाता है। और तुम लोग सुने होगे मसल सेल लोकोमोशन में हेल्प करता है, न्यूरॉन का नाम सुने होगे, नर्व सेल का नाम सुने होगे जो क्या करता है इंपल्स कंडक्शन करता है, कोई भी इंफॉर्मेशन मान लो हम यहाँ टच किए तो हमारे ब्रेन हो गया, किसके थ्रू हो गया, नर्व सेल के थ्रू हो गया। हमारा जो ये स्टोमेक में जो म्यूकस सेल होता है वो क्या करता है डाइजेशन में हेल्प करता है। तो बहुत तरह टाइप का सेल होता है, क्योंकि इसके बाद बहुत सारा सेल है तो सबका अलग अलग वर्क किया, डिवीजन ऑफ लेबर उसी को कहते हैं। लेकिन इसके बाद डिवीजन ऑफ लेबर नहीं हो सकता, क्योंकि इसके बाद एक ही सेल है, जो भी काम करे वही करेगा, इसके बाद मजबूरी है। लेकिन इसके बाद मजबूरी नहीं है, इसके पास डिफरेंट सेल्स आर स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन ऑफ द बॉडी सो दैट देयर इज डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर मतलब ये टाइप, बहुत टाइप का सेल है जिसका अलग अलग फंक्शन है। जैसे आरबीसी का काम है कि आरबीसी में हीमोग्लोबिन है वो अपना ऑक्सीजन को ले जा रहा है, उधर मसल से लोकोमोशन में हेल्प कर रहा है, उधर नर्व सेल कंडक्शन में हेल्प कर रहा है, किडनी में जो है नेफ्रॉन है उसका अलग वर्क है, मतलब बहुत टाइप का सेल है। जैसे ह्यूमन एग्जाम्पल देखो, ह्यूमन बींग आरबीसी स्पर्म ल्यूकोसाइट जिसको हम डब्ल्यूबीसी कहते हैं, मसल से नर्व सेल, और मैंने जो आरबीसी बोला उसको भी तुम जब बोल रहे तो उसको लिख लो, जो यहाँ नहीं लिखा हो अगर हमारे हम समझाने के क्रम में अगर वो शब्द आया तो उसको भी आप लिख सकते हैं। अब ये बात बताओ, रिप्रोडक्शन कंज्यूम ए सिंगल सेल, इसमें एक ही सेल को सारा वर्क करना है, इसका मतलब रिप्रोडक्शन भी करेगा क्या करेगा वही सेल डिवाइड करेगा। जैसे देखो मान लो एग्जाम्पल एक अमीबा का है, तो अमीबा क्या करेगा, यही अमीबा जो है इसमें डिवीजन होगा और दो अमीबा बन गया। लेकिन इसमें क्या होगा, मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म में ओनली सम ऑफ द सम सेल्स ऑफ द बॉडी वो जर्म सेल, रिप्रोडक्शन के लिए क्या होता है जर्म सेल होता है, जर्म सेल टेक पार्ट इन रिप्रोडक्शन।
तो जो सेल रिप्रोडक्शन में भाग ले रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, जर्म सेल, और जो उसके अलावा जो उसको हम सोमेटिक सेल कहेंगे। अच्छा ये बात बच्चों को याद नहीं, मान लो ये सेल एक सेल है, अगर वो डेड हो गया तो पूरा ऑर्गेनिज्म ही डेड होगा, क्योंकि वो ऑर्गेनिज्म जो है एक ही सेल से बना है। अगर वो सेल एक सेल यूनिसेल ऑर्गेनिज्म, अगर एक सेल उसका किसी से डैमेज हो गया तो वही उसका लाइफ खत्म हो गया, इसका मतलब उसका लाइफ स्पैन शॉर्ट होगा। लेकिन इसके पास ऐसा नहीं है, मान लो कि कोई ब्लड सेल अगर डैमेज हो गया तो नया ब्लड सेल बन जाता है, जिससे मान लो हमारे स्किन में कोई कट हो गया, घाव हो गया, तो फिर घाव भरता है ना, इसका मतलब एक यहां सेल डैमेज भी हो गया, डेड हो गया, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, फिर नया सेल बन गया। लेकिन अगर इसमें एक सेल वो डैमेज होता है तो पूरा उसका लाइफ ही खत्म हो गया, क्योंकि वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एक सेल से बना है, वो अगर वही सेल डेड हो गया तो खत्म। इसका मतलब क्या है, इसका लाइफ स्पैन छोटा होगा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का, इसका लंबा होगा, बड़ा होगा मल्टीसेलुलर। और ये बच्चों ये भी बात है, बताओ ये बेहतर लाइफ कौन व्यतीत करेगा, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसके बाद क्योंकि डिफरेंट टाइप ऑफ सेल है, इसके बाद तो सिर्फ एक ही सेल है, अगर वो चला गया तो डेड हो गया तो पूरा सेल डेड हो गया। तो बच्चों आज हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को, और इसको बार बार रिवाइज करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो वीडियो को, और एनसीईआरटी को पढ़ते रहो। थैंक यू।